मैं जा रहा हूँ आज पंजाब शिवू के पास, तो जुआ रानी को खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा। आवाज साहब बड़ी चाय शाय पी रहे हो यार, चाय मुझे तो जाना है जल्दी थी। खुदा हाफिज़, मैं जा रहा हूँ जिंदगी बाफात, इंशाल्लाह जरूर वापसी जल्दी लौट के आऊंगा। आप सब लोग दुआ कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह पंजाब जा रहा हूँ माशाल्लाह, वसीम को लेने, तो इंशाल्लाह जिंदगी में तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ करते रहना जी। उसको लेके आना यार, उसको लेने तो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ माशाल्लाह। ये देखे मेरी वाइफ और सब बच्चे, ये देखे मुझे छोड़ने आए हैं। वो गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी गाड़ी लगी हुई है। इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ और सबको खुदा और खुश है। बकरा नहीं कहना काम से इंशाल्लाह, ठीक है क्या सही है सच्ची बकरा नहीं कहना, नहीं तो नहीं है बकरा नहीं क्या हो गया। हम पैसे जल्दी कोशिश करूंगा यार, अरे छोटे वाले कहेंगे उसको ऊंच पालेंगे ना, फिर बड़ी 2-3 साल बाद बड़ा होगा फिर खाएंगे। तो हमारी गाड़ी निकलने वाली है, आज पैसेंजर बैठ रहे हैं। चल ये दो गाड़ी रखी फैमिली जी, हम रुके हुए इधर आ रहे हैं। ये इसने बहुत मुझे खपा दिया है, 8 बजे से चला है और स्टॉप पर आकर रुके 12 बजे तक। अभी देखो क्या टाइम हो रहा है, अल्लाह 12 बजे अब चल रहा है हाजदार पर। तो दुआ करें मुझे जल्दी पहुँचाए। तो अभी हम 3 घंटे हो गए गाड़ी में बैठे रहे हैं, अब चल रहा है देखो 1 घंटा चला फिर उठ गया है। मैं अपना खानपुर हवाई शहर में, तो कुछ देर में इंशाल्लाह पहुँचेंगे। बहुत लेट हो गए, 10-11 या 12 घंटे होने वाला है। पाकिस्तान चौक या पाकिस्तान चौक में पहुँच गए, तो ये एक तो कह रहे हैं फिर पैराग पैराग जल्दी कर सवारी को कह रहे हैं। यहाँ पर एक समुद्री अपन की वाले हैं, तो इधर मैं उतर रहा हूँ गाड़ी पर, देखो शाहबाज आने वाला है। कुल्फी खा लें तो आओ जी, ये गर्मी का मौसम है, आप पहले पहले पंजाब में ये कुल्फी। और अपनी वाइफ को दे रहा हूँ कि वो बहुत गर्मी में आई है, तो लो कुल्फी खा लें। ये लो जी कुल्फी। तो शहबाज साहब भी आ गए, तो आसिफ भी मुझे बाइक पर लेने हैं माशाल्लाह जी। सुनाओ गर्मियों का, बहुत गर्मी का शहबाज, गर्मी बहुत है, जल्दी चले जल्दी चले छुपे साहब, तो डरा रहे हैं क्या होगा टू टू फैमिली। चल अल्लाह खैर करेगा, अब तो आ गए, देखते हैं वसीम वसीम कहाँ है, घुमा के घर गए वो, फिर वो भी वहाँ गए, मेरे घर में भी नहीं है। चलो देखते हैं उसे लेने का क्या प्लान बनाते हैं। ये और ये ढोल ढमा में पूरे बरा टकरी हमें, और देखो इनका रवाज, देखो ट्राली। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। अच्छा ये मेरा बाइक है जी, तो मुझे लेने आया शहबाज, तो फिर इसकी क्लच की तार टूटी हुई थी। मैंने बोला पहले वही डलाते फिर वसीम को लेके आते फिर घर चलते हैं। तो अभी हम मैकेनिक के पास आए हुए हैं, तार डलवाते हैं क्लच वाली और फिर वसीम को लेके घर जाते हैं। तो हम और शहबाज आ गए, शाहू का और शहबाज और मैं आ गए, तो देखते हैं वसीम कहाँ है। उस गेट से चलो यार, दूसरे से ये गेट है और दूसरा गेट भी है, देखते हैं कहाँ से वसीम मिलता है माल मवेशी के लिए। और ये मशीन है हाथ वाली, तो जी शहबाज चले देखियो वसीम की। माशाल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके, क्या कर रहा है ये देखो क्या बना हुआ है, कैसे जूती कैसे कपड़े क्या बने हुए हो, क्या हाल है। अच्छा मेरी बहुत याद आ रही थी हाँ, चलो आप मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब गाइस फैमिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया मेरा चुन्ना मुन्ना मिल गया। तो आपको भी सबको सलाम कह रहे हैं। चलिए इसका घर देखे, ये ऐसे देसी घर जैसे हमारे अबाई गांव का ये एक माहौल है। तो ये ऋषि शाहबाज साहब को देखे, वाह गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। अच्छा हम बहुत थक गए, लेकिन मैं पहले घर नहीं गया,
तो शहबाज ने बताया कि वसीम अपनी माँ के घर गया हुआ है। तो इसकी माँ तो ये है नहीं, मौसी है, तो माँ तो इसकी आई हुई है घर। तेरी माँ कौन सी है? सारा है ना? तो मौसी के घर आया था तू? चलो जी ठीक है, हम घर चले फिर। घर चले, चलो ठीक है, तेरी माँ की याद आ रही है, चलो चलते फिर। अच्छा जी, तो हम कच्ची लस्सी पी रहे, दूध वाला पानी बनाया है देखो वसीम ने, और बर्फ़ भी डाली है, बहुत गर्मी थी इधर, देखते पी के बहुत लजीज है, अच्छी है और बहुत अच्छी है। चलिए माशा, ये जो है ना वसीम का बस्ता पड़ा हुआ है, और ये इसके घर के देखो लोकेशन, बर्तन वगैरह और पेटियाँ, इसमें कपड़े शपड़े रखता है वसीम। तो अब मैं इसे लेके अब मैं इसकी मम्मा के पास जा रहा हूँ। ये जी वसीम साहब का बिस्तरा देखें, बिस्तरा देखें, वसीम 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 जितना खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन के साथ बैठा हुआ। वाह वसीम साहब, ये तेरा बिस्तरा है, इसी पर सोता था तू? हाँ, अब इतना खूबसूरत बिस्तरों पर सो रहा है तो कराची कहाँ याद आती तुझे? और अबू इस में दूध था और आधा तो हम पी गए, आधा पड़ा हुआ है मलाई के साथ। तो यहाँ तो है देहात, तो फ्रिज तो नहीं होती, ये बर्फ़ है, और इसके साथ इन लोगों ने ठंडा करके मुझे दूध पिलाया। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत जानवर है, माल मवेशी है, और ये धूप और छाँव इनके लिए बनाई हुई है। तो ये बैल है, पता नहीं मारेगा ये, खैर पीछे छाँव पर हो रहा है, मारेगा नहीं, नहीं मारना भाई, हम मुसाफिर बंदे हैं। और तू ये बोरा गुस्से से देख रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, गुस्सा कर रहा है। हाँ अच्छा जी, तो ये भी गुस्सा कर रहा है। चलो अभी हम जा रहे हैं बस देखने आए थे आप लोगों को। ये यहाँ वसीम वालों को जो इसके माँ बाप है ये उनका है। उठ गए, हम जा रहे हैं अभी इसे लेके, मैं अपनी वाइफ के पास और मैं अपने घर जा रहा हूँ। शहबाज भी आ गया, बहुत धूप है, तो अब चल रहे, दुआ करना आप जल्दी पहुँचे। जी मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब, बहुत अच्छे कारीगर हैं, पहले कराची में रह गए, आप पंजाब आ गए। सुनाओ आसिफ साहब, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैंने कराची में जाकर लुक चेंज की लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला जब भी जाऊँगा मैं बस से उतरा हूँ, अभी बेटे को लेके आया हूँ वसीम को। हाँ बिल्कुल छोटे करा दिए, तो मैंने बोला जब तक आसिफ साहब के हाथ नहीं लगेंगे ना मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने पहले फौरन पहले आते हुए यही सोचा था कि पहले आसिफ के पास जाऊँगा। चलो जी अब देखते हैं आसिफ साहब कैसे लुक चेंज करते हैं। चाहे जो फिर से लुक चेंज करने लगे हैं, सुना पता है कराची वालों को इतना पता नहीं था भी मेरे बाल कैसे सेट होते हैं, क्योंकि ये आसिफ भाई बहुत अच्छे कारीगर हैं। आते सर पहली फुर्सत में मैंने बोला था ये बाल सेट कराते हैं, और दिल भर बाबर के भी यही था कि पहले बाल सेट बहुत ज़रूरी है। चलो देखो अब मैं आई लुक और भी चेंज कर रहा हूँ, देखना अभी कैसे। अभी यहाँ से सालन लेने, सालन लेके फिर घर जाएंगे, और ये होटल है, चाचू यहाँ बैठा हुआ है, वो चाचू बैठे हैं। हाँ चाचू बुजुर्ग हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे जानवर, तो मैं इन्हीं का बहुत। चलो ये तो ये वसीम साथ है, हमने पार्सल करा लिया, आप घर चल के इसका टेस्ट चेक करते हैं अभी कैसा है। चलो जी, रोटी पक रही, कितना गर्मी में उस्ताद जोर लगा रहे हैं ये तंदूर पर, और कितना गर्मी है देखो, बच्चे को पसीना भी आया हुआ है माशाल्लाह, तो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी रखे। अच्छा जी, तो हम लोगों ने खाना लाया था, अभी खाना शुरू कर रहे हैं, शहबाज भी है। शहबाज मुझे भूख लगी हुई थी। अच्छा चलो ठीक, बिल्कुल भूख, चलो जी ये प्यासा है, और ये अभी खाना शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कैसी टेस्टी है पंजाब का खाना। तो दिलबर साहब, बाबर साहब,
ये देखो इतने इतने बकरे खड़े हुए इधर। ये जो अब हमारा बाइक गांव है वो हैं, तो फिर देखते हैं कि इतना बकरे मैं खरीद के ले जाऊं, ये इसके लिए मतलब पालेंगे, फिर कुर्बानी पर बड़े हो जाएंगे खाएंगे। बंद करें ये जो बकरियां खड़ी है ना, तो यूट्यूब गाय जो मुझे यूट्यूब फैमिली मुझे बताएं, ये जो मुझे बकरा बकरा करते हैं, अब मैं आ गया हूँ तो इसमें से कोई बकरा बताएं, ये भी बकरा है। अभी उठ के खड़ा हो जा भाई, दिखाता हूँ। यूट्यूब फैमिली को पता है सब। अच्छा जी, ये बकरा भी है लेकिन ये ले जाने में मसला होगा। आजा। अच्छा ये देखें तो इसको ले जाने में मसला है। बहरहाल ये मेरा बकरा खड़ा हुआ है लेकिन इसे ले जाने में मसला होगा। अब सोच रहा हूँ भी कैसे ले जाऊँ। और इन लोगों को जाके सतारा बाबा नैना सब बकरा बकरा कर रहे थे और मैं इन्हें बकरा खिलाऊँ और मेरे जो है ना वो बात पूरी हो जाए। ये देखो कितना खूबसूरत सा है, मैं झूठ नहीं बोलता था, बकरा था मेरा। ये जो मैं अब घर आ चुका हूँ, ये देखे कितना छोटा सा मेमे है। और ये जी मेरे इनके छा जानदर, इसको बांधता हूँ छाँव पर। ये मुझे मेरा घर जी, आपको फैमिली दिखा रहा हूँ। ये पंखा भी बेचारा वैसे ही हो गया मेरे जाने के बाद। तो ये दाने की जो पड़ोसा है, पड़ोला है वो। और ये मेरा किचन था, अब इसका भी ये हाल हो गया है, देहाती जैसे माहौल होते हैं। अच्छा जी, ये मेरा छोटा सा कमरा। अच्छा तो ये देखें, सुनाओ जी, गर्मी है अब मेरे कमरे में, गर्मी भी बहुत है। अच्छा बिजली भी काट दी इन लोगों ने मेरे जाने के बाद, अब देख ले ये हालात है। मैंने थोड़ी काटी, मैं तो वो चलो भाई के मेहमान हो। तो ये जी मेरा घर, ये माल मवेशी बांधता था मैं, और ये छाँव है मेरी, वो बकरियां जहाँ बांधी हुई हैं। तो सुबह और चीज़ें आपको दिखाऊंगा, अभी बहुत धूप है। अच्छा देखो ना, मशीन की हालात भी बिगड़ी हुई है। चलो पता नहीं, हाँ क्या पड़ा है, वो पीछे जो हेलमेट पड़ी नहीं है। अच्छा हेलमेट ठीक पड़ी हुई है। चलो जी, कलर तो उतर गया कमरे का। चलो हाँ, हेलमेट पड़ा है और उसे मैं ले जाऊंगा क्योंकि कराची में बहुत काम आएगा ये। बच्चा है मरा, क्या हाल है जी, ठीक हो? वे बड़े दिन में नहीं था। अच्छा हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। मैं जा रहा हूँ शाहबाज के घर, वहाँ चल के देखते हैं कि छोटे चुन्ने मुन्ने क्या कर रहे हैं अबू बकर वाले। तो अब हम वहाँ चल रहे हैं, मोटर की तरफ जा रहे हैं भाई। मैं और शाहबाज और वसीम, ये देखिए इधर फसलें, फसलें माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। देखिए बात देखिए, वसीम को ना हवा पर नींद आ गई, तो अब जा रहे हैं इंशाल्लाह भी चल के मिलते हैं अबू बकर और वसीम। इसको हवा पर नींद आ गई वसीम को, मैंने पकड़ा हुआ है, शाहबाज चला रहे हैं। शाहबाज ये दिखाना था कि वसीम नींद आ गई। तो खैर जी, गर्मी तो जितना भी है, खैर तो अभी कपास लगी हुई है, मिर्चियों को फसल और गन्ने का, और हरियाली हरियाली बहुत है माशाल्लाह। तो हरा हरा मौसम में कैसे हरियाली है, खूबसूरत मंजर है, लेकिन थोड़ी सी गर्मियाँ बच गई है माशाल्लाह, ठंड पड़ने शुरू हुई है। तो मैं शाहबाज माशाल्लाह देखो कैसे कहाँ तक नजर जाती है हरियाली। आओ जी, अस्सलाम वालेकुम मदन भाई, क्या हाल है? अच्छा जी, तो आप पहुँच गए, चलो दरवाज़ा खोल लिया अभी यार, मदन दरवाजा खोलो हम अंदर आए। ढूंढते हैं गोलो पोलो, गोलो पोलो, वाह गोलो पोलो भी सोया हुआ है। अच्छा ये देखो जी, हम लोग कैसा झूला बनाया हुआ है, देहाती झूला देखे जी, वाह जी वाह जी वाह। गोलो पोलो अब इसमें सोए हुए है, तो देखे जो अबू बकर सोया हुआ है, देखा बिजली नहीं है तो ऐसे ही सोया हुआ है बगैर बिजली के,
चलो अभी जगाते हैं इसे थोड़ी देर बाद। तो आज ये जी 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 क्या बना हुआ है? अच्छा आलू पालक जी जी। और ये है तूरी की सब्जी। तूरी की सब्जी जी। अच्छे जी, तो रोटी तवे की बनी हुई, क्या बात है। शहबाज के घर जी आप, मैं खाना खा रहा हूँ तो वो लोग डालने में मुझे देर हो गई, इसके बाद आप ये करके और वो लोग एंड करते हैं। आप लोगों को हंसता और बसता रखे, मैं आ गया हूँ पंजाब। तो और पंजाब की सौगात सर ये लाइट नहीं है। हाँ तो पंजाब की सौगात ये है कि लाइट नहीं है, खुद लाइट तो, है। अच्छा लाइटें हाथ पर पकड़ी हुई वसीम है। और देखिए जे चुनू। अच्छा तो जी बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। हमजू को देखो, ये भी अच्छा हमजू देखो कौन है। हमजू को सलाम करो, हमजू को सलाम करो, हमजू सलाम लगो। अच्छा दद्दा हमजा को हम मिस कर रहे हैं, और बाबर दिलबर नैना सबको मैं मिस कर रहा हूँ। अपने सब बच्चों फैमिली को, इस टाइम मैं वहाँ होता था तो अब मैं सलामत पहुँच गया हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी बकरा लेके, तो घबराइए ना डीडी भाई, मैं आ रहा हूँ कराची। तो अल्लाह ताला आपको हंसता और बसता रखे, लाइक कैप ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल आपके लिए बहुत अच्छा व्लॉग लेके आऊँगा। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।